Hello students, welcome to the class on answer writing, and in this class I will be dealing with the answer to the question that I uploaded on 7th of December on brainiki.com. Now the first question was, what is Indian financial code? Analyze it. Now at the outset I would like to tell you that a committee was set up by the Congress government in the year 2011. Now the name of the committee was SN Krishna Committee, and the purpose for which it was set up, it was to bring about a change in the laws in the financial sector. Financial Sector Legislative Reform Commission. So ye commission set up kiya gaya tha. Is commission ki responsibility thi India mein jitne bhi laws hai finance ko leke, unko change karke ek comprehensive law banaya jaye. To iska kya zarurat hai? Already hamare paas bahut sare financial laws hai. But abhi India mein jo financial milli exist kar raha hai, hamare paas Securities and Exchange Board of India hai, hamare paas Competitive Commission of India hai, hamare paas IRDA hai, hamare paas PFRDA hai, hamare paas bahut sare acts hain jo insurance ko guide kar rahe hain, hamare paas bahut sare acts hain jo finance ko guide kar rahe hain. But still iske itna sara network hone ke bawajood hamare financial sector mein bahut zyada problem hai, kyunki hamare paas jo financial products hain wo ya to ये सारी बॉडीज उनको कैटर नहीं कर पा रही, या तो ओवरलैप है या कैटर नहीं कर पा रही. आइदर देयर इज अ डेफिसिट इन द रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और देयर इज अ ओवरलैपिंग इन दिस. सो बट बिकॉज़ द प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट वी आर हैविंग इन द मार्केट दे आर एक्चुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस करके पैसे कहां पे इन्वेस्ट कर रही है? स्टॉक एक्सचेंज पे. अभी वो उसका रेगुलेशन कौन करेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा के इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी करेगा. सो सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड आल्सो द इश्यूज लाइक द सहारा इशू. अभी सहारा के इशू को कौन टैकल करेगा? सेबी करेगा या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा? नाउ सच काइंड ऑफ इश्यूज हैव रिजल्टेड इन फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू कम आउट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर एसएन कृष्णा दिस कमिटी वाज सेट अप एंड इट हैड कम आउट विद इंडियन फाइनेंशियल कोड. अभी इंडियन फाइनेंशियल कोड पहले उन्होंने बोला था कि छह तरह की आपको बॉडीज सेटअप करनी है जो अलग अलग चीजों को देखेगी. किस किस को देखेगी? गवर्नमेंट की डेट को देखेगी कि गवर्नमेंट को अपना डेट किस तरह मैनेज करना. पहले आरबीआई करता था, वो फंक्शन अलग कर दिया गया है. फिर कैपिटल सेक्टर कौन मैनेज करेगा? उसमें आरबीआई का पहले रोल रहता था, अभी वो उसमें रोल खत्म कर दिया गया है. अगर आपको कोई ग्रेवियंस है तो उस चीज को कौन कैटर करेगा? उसके लिए अलग बॉडी बना दी गई है. अगर आप को कोई प्रॉब्लम है, आपका रेगुलेशन ग्रेवियंस की वजह से भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना है, ट्रिब्यूनल भी सेटअप कर दिया गया है. सो दे हैव एक्चुअली ऑल्टर्ड द एंटायर लैंडस्केप एज फार एज द फाइनेंशियल सेक्टर इज कंसर्न एज पर द रिकमेंडेशन इज देयर टू बी इंप्लीमेंटेड. बट द बीजेपी गवर्नमेंट इट इज री इंट्रोड्यूस्ड, इट इज ट्वीक्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ दिस एंड इट हैज कम आउट विद अ न्यूअर वर्जन दैट इज इंडियन फाइनेंशियल कोड 2. सो हमारे पास दो फाइनेंशियल कोड है जो सारा स्कीम अल्टर करने जा रहे हैं इंडिया का. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम योर मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 15 के लिए भी और 16 के लिए भी. तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. हर एक जितनी भी छह की छह बॉडीज हैं, वो फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी कमीशन है जो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, तो उनको भी हर एक का डिटेल में आपको फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए. देन इज अबाउट, यहां पे तो आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में इतना ही लिखा जाएगा. नाउ व्हाट इज नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट्स? डिस्कस इट्स रेपरकशन फॉर इंडिया. नाउ नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स क्या है? जब वायलेशन ही नहीं है तो कंप्लेंट क्या होगी? बट डब्ल्यूटीओ में ये क्लॉज है, चाहे आप वायलेट नहीं कर रहे हो, अगर आपकी इंडस्ट्री को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन फाइल अप अ कंप्लेंट इन डब्ल्यूटीओ, एंड डब्ल्यूटीओज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल डिसाइड अबाउट व्हाट how the dispute has to be settled. Now as per this non violation complaint, it was available only for two things. Sirf do cheezon ke liye available tha abhi tak, ek to goods ke liye aur ek services ke liye. But off late kya hai, United States of America ki pharmaceutical mammoth pharmaceutical companies, bahut badi badi companies, plus the Switzerland ki companies, they have been pushing their countries to file up this non violation complaints in WTO. 2002 से लेके इसके ऊपर मोरेटोरियम लगा रखा था कंट्रीज ने, हम नहीं करेंगे. एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे एक्सेट्रा, ऑल अदर कंट्रीज, दे आर एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स इन पेटेंट्स. इन पेटेंट्स इट वॉज नॉट अलाउड. नाउ
what is happening is these countries want to introduce this non-violation complaint in this. The repercussions that it would be having, agar ye introduce kabhi Nairobi mein WTO ka meet hoga, December mein 15-16 ko meet hai, wahan pe decide kiya jayega is cheez ko leke kya karna hai. Agar isko introduce kara diya jaye, this will not be good for the Indian pharmaceutical companies, this will not be good for the people who are having access to the medicine, generic medicines in India, because unko bahut zyada fir paise dene padenge. जितने भी पेटेंट वाली कंपनीज है, कैंसर की मेडिसिन की, आर्थराइटिस की मेडिसिन की, टीबी की मेडिसिन, बहुत सारे पेटेंट्स करा रखे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने, उनका पेटेंट लॉ भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. अभी टीपीपी में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट हैज सेट अप वेरी हाई स्टैंडर्ड्स अबाउट द पेटेंट्स. देन इज अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर होल्डिंग बैक द एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. अभी एफटीए में क्या प्रॉब्लम है, पहले तो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ही बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप. जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा चल रहा है यूरोप में. अभी प्रॉब्लम क्या है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू द टैरिफ फॉर वाइन एंड अल्कोहल, इसको रिमूव करना है. एंड इंडियन जितने भी वाइन इंडस्ट्री है, दे आर नॉट रेडी, बिकॉज वहां से आपको चीप वाइन मिलेगा, इंडियन वाइन विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. एंड सेकेंड इज अबाउट द वीजा ऑफ द वर्किंग वीजा, वीजा ऑफ द वर्किंग क्लास. अभी क्या है, अगर आपको यूरोप जाना है, एक ही कंट्री का आपको वीजा मिलेगा, तो बाकी कंट्रीज का आपको अलग से वीजा लेना पड़ता है. अगर आप फ्रांस जा रहे हो वहां, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. इस चीज को इंडिया चाहता है कि रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए, तभी इंडिया बोलेगा कि हम एफटीए साइन करेंगे. अनदर इशू इज विद रिस्पेक्ट टू द कार्स, इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी कार, जो भी सेकेंड हैंड कार है वो इंडिया में बेचना चाहते हैं. And the fourth big issue is with respect to the bilateral investment treaty. Now, what is this BIT and the procurement policy? Procurement policy. The bilateral investment treaty क्या है? अभी हमारी companies sue नहीं कर सकती हैं जो भी India में operate कर रही है government को. But the European Union wants that the companies should be able to sue the country outside India. Now this will impact the sovereignty. This is another big clause that India is not accepting. So this is something that is crippling the European Union and India FTA. The fifth is the procurement policy. Now what is this procurement policy about? Now the European companies, they won't participate in the tenders that are floated by the government of India. They want to reap the profit out of it, and because of that they want to bring about changes in the procurement policy. But still India is not ready for it, and this is again a big issue that's holding back the FTA on free trade agreement between India and European Union. Now the last question is, analyze the preparedness of Indian cities in tackling the menace of a disaster. Now how much prepared we are to tackle a disaster. Now preparation is a post preparation and a pre preparation. So India is trying to master post preparation, but India is neglecting in pre-preparation to a disaster. So two phases are the disaster, pre and post. Abhi pre mein, we are not focusing on migration policy, we are not focusing on construction policy, we are not adopting an ecological approach. What we are approaching is a knee-jerk approach, and because of that we have set up this NDRF, National Disaster Response Force, NDRA, National Disaster Act, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA 2005. तो 10 साल हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे उसके बाद में प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया में, ये हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं. सारी एग्जांपल्स दीजिए, लाइक चेन्नई का एग्जांपल है, बिग एग्जांपल, उत्तराखंड का एग्जांपल है, देन फ्लड्स इन वेरियस सिटीज इन उत्तर प्रदेश, एंड ड्रॉट इज अगेन अ डिजास्टर. सो वी नीड टू रियली कम आउट विद न्यू एंड नोबल मेजर्स इफ वी वॉन्ट टू टैकल दिस मेनास ऑफ डिजास्टर. सो वी नीड टू be reinvigorating the entire disaster management structure, and that requires the involvement of the people, involvement of the government, and setting up experienced and effective institutions and policies and programs. So this was all for the day. Bye bye, take care, have a nice day.